हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों माई करियर मोड के ऊपर बॉलिंग ट्रिक्स। तो दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक अगर यूज़ करेंगे तो आप हैट्रिक पे हैट्रिक लेंगे दोस्तों, हैट्रिक पे हैट्रिक आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूं दोस्तों। यही ट्रिक से मैं बहुत ही सारा विकेट्स लेता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया बैटिंग ट्रिक्स, और मैंने आखिरी में आप लोगों को बताया मैंने बॉलिंग ट्रिक्स भी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को बॉलिंग ट्रिक्स भी लेकर आ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उससे हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा स्किल प्लेयर नहीं भी है तभी भी आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही आराम से वर्क करेगा दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा विकेट्स ले पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, करियर मोड में बॉलिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि बैट्समैन हर गेम पे ऊपर छक्का मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा रन बनाते हैं दोस्तों, ऐसे में आप मैच हार जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ही बहुत ही सारा विकेट्स लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपका टीम कुछ भी विकेट्स लेने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका बॉलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों, टीम का बॉलिंग भी अगर आप ज़्यादा रन दे देते हो तो टीम भी ज़्यादा रन दे देते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा विकेट्स लेना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ आप लोगों को किधर गेम डालना है, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। इधर ही आप लोगों को गेम डालेंगे तो आप लोगों को ये ट्रिक वर्क करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप उसी तरीके से गेम को डालेंगे तो बैट्समैन फ्रंट फुट पर आएगा दोस्तों, आप लोगों को विकेट मिल जाएगा दोस्तों। जैसे बैट्समैन फ्रंट फुट पर आएगा तो गेम सीधा जाकर मतलब विकेट को टकराएगा दोस्तों और बोल्ड हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को और इजी तरीके बता दूँ तो आप लोगों को सेकंड स्टंप के ऊपर रखना है दोस्तों, और भी आप लोगों को और एक तरीका है दोस्तों, आप लोगों को पैड्स के ऊपर रखना है, पैड्स के बाजू में रखना है दोस्तों, सीधा पैड्स के बाजू में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप उसी डायरेक्शन पे ऊपर अगर गेम को डालेंगे तो आप लोगों को 100% विकेट मिल जाएगा दोस्तों। आप लोगों को जैसे बैट्समैन फ्रंट फुट पर आएगा मारने के लिए, आप लोगों को सीधा गेम जाकर बोल्ड हो जाएगा दोस्तों, मतलब गेम जाकर विकेट्स को टकराएगा दोस्तों, और आप लोगों को ऐसे बहुत सारे विकेट्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे पास ऐसे और एक तरीका है दोस्तों, वो तरीका मैं आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो पर लाऊंगा दोस्तों। तो उसके लिए आप लोगों को जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, वो वीडियो मैं आप लोगों को कल या परसों लेकर आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, वो ट्रिक को आपको जल्दी से चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करो दोस्तों, मैं जल्दी से आप लोगों को लेकर आने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तब तक आप ये ट्रिक को यूज़ करते जाइए दोस्तों, आप लोगों को ये भी ट्रिक बहुत ही ज़्यादा मस्त है दोस्तों। ये भी ट्रिक में से आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही सारे विकेट्स मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये ट्रिक वर्क कर गया, आप लोगों को बहुत ही सारे विकेट्स मिल रहा, अगर आप ये ट्रिक वर्क कर रहे हो तो जल्दी से जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और आप लोगों को बैटिंग ट्रिक्स चाहिए तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, वो भी आप जाकर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बैटिंग ट्रिक्स मैंने बताया दोस्तों उस वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अलविदा।